कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह, दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। स्वेटर ये भी था बट मैंने सोचा कि नहीं पहनना होगी। आप सोच रहे होंगे कि मुंबई में ऐसा क्यों, एंड पीछे का बैकग्राउंड भी देख रहे हो, मैं मुंबई में नहीं हूँ भाई, मैं दिल्ली में हूँ। अभी सोच रहे हो मुंबई का लड़का दिल्ली क्यों चला गया, थोड़ा काम था, थोड़े काम से आया हूँ, एंड मेरे ख्याल से 2-3 दिन लगेगा, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा देख लेना 2-3 दिन के लिए जो भी बैकग्राउंड है उसको, 29, 30, 30 तारीख तक। चलिए कोई बात नहीं। एंड बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कौन सा स्मार्टफोन लें, कोई ऑफर अच्छा बताइए, इंस्टाग्राम पे भी आके बहुत सारी जगहों पे, वैसे बहुत टाइम से मैं दे नहीं पाता आंसर, आज मैंने कुछ लोगों को दिया, कोशिश किया, रात तक सबको क्लियर कर दूंगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है, आपको मालूम है ईयर एंड सेल उनका, स्मार्टफोन ईयर एंड सेल, एंड ये कुछ 26-27 तारीख से चालू होगा, 30 तारीख के आसपास तक चलेगा। इसके साथ साथ अमेजोन पे भी चल रहा है उनका स्मार्टफोन अपग्रेड सेल, वो भी चल रहा है उसी के मतलब 25 तारीख के आसपास से है, 29 तारीख तक चलेगा जो भी ऑफर है, मतलब है सेल बट कोई खास ऑफर्स नहीं है। अगर आप देखते हो ना, तो पहली बात तो कार्ड ऑफर किसी पे दिया नहीं गया। वैसे अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनके ऊपर आपको प्रीपेड ऑल ऑफर मिल जाता है 4000 का, जैसे रियलमी GT मास्टर एडिशन वाला जो है। इसके अलावा रियलमी के कुछ फोन्स हैं जिनके ऊपर 1000 से लेकर 1500 रुपए तक का आपको प्रीपेड वाला ऑफर मिल जाता है, या एक्सचेंज वाला भी। देन इसके बाद कुछ और भी एक आध दो बैंक के कार्ड के ऑफर्स हैं किसी एक आध दो स्मार्टफोन के ऊपर, अदरवाइज कोई खास ऑफर वहां पे नहीं है। इसके बदले अगर आप अमेजोन पे जाते हो तो वहां पे भी बैंक वाला कोई ऑफर नहीं दिया गया, लेकिन कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं जिनके ऊपर आपको ICICI के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया, जैसे वन प्लस के कुछ फोन्स हैं, शाओमी का है Mi 11 Lite NE 5G, देन इसके बाद आईगू के एक दो फोन्स हैं, एंड बहुत सारे मतलब ऐसे फोन हैं जिनके ऊपर आपको 1-2000, 3000, 4000 कुछ ऐसे डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल ऑफर कार्ड वाला सारे फोन्स के लिए नहीं दिया गया है। तो ये एक्चुअली ये सेल नहीं है, ये ऑफर तो पहले भी थे एंड इससे अच्छे थे विदाउट सेल पीरियड में भी। अगर आप देखते हो तो जिनके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, OnePlus 9 था जो कि 13000 ऑफ दे रहा था, एंड इसके बाद और भी बहुत सारे स्मार्टफोन। तो मेरे हिसाब से अच्छा, हाँ लेना चाहिए या नहीं, मैं कहूँगा नहीं, अभी नहीं। अगर आपको अभी के अभी स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हाँ देख लीजिए, अदरवाइज मैं कहूँगा कि 20-22 दिन और रुक जाइए, 20 तारीख के आसपास, ठीक है, 18-19-20 के आसपास जो रिपब्लिक डे होता है ना, उससे पहले एक रिपब्लिक डे सेल आता है दोनों पे, ठीक है, एंड वो ऑफर इससे बेटर होते हैं। वैसे नहीं होंगे जैसे आपको बिग बिलियन डे सेल पे आता है मिलने के लिए, वैसे ऑफर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके ऑफर्स काफी तगड़े होते हैं, उस पर कार्ड वाला ऑफर भी आता है, ज्यादा चांसेस है कि आपको SBI से लेके HDFC के कार्ड पे भी ऑफर मिल जाए 1000 से लेके 1500 रुपए तक का। देन उसके बाद अभी प्रीपेड का उसमें 4000 ऑफर दिया है, वहां पे हो सकता है आपको 6000 के आसपास हो, 5000 के आसपास हो, तो उसमें ऑफर भी अच्छे होते हैं और बड़े होते हैं, तो मेरे हिसाब से उसका वेट कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे ये वाला स्मार्टफोन ले लें, ये वाला नहीं ले, मैं यही कहूंगा क्लियर कि अगर आपको अभी के अभी जरूरत है तो हाँ देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, क्योंकि मुझे ये सेल नहीं है, ये सिर्फ ईयर एंड है, तो उस सिर्फ आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सेल वेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया है ईयर एंड सेल या स्मार्टफोन अपग्रेड डेज, ये कर दिया है, कोई सेल वेल नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है, कुछ ऐसा सेल वेल नहीं है, कार्ड वाला ऑफर है ही नहीं, विदाउट कार्ड के ऑफर के कौन सा सेल होता है, मतलब अगर मेरे पास कोई कार्ड रहे उस पे कुछ ऑफर मिले तो मैं कहूँ कि हाँ सेल है, नहीं भी रहे तो किसी से जुगाड़ कर लूँ, लेकिन अगर विदाउट ऑफर कुछ ऑफर ही नहीं है तो आप कौन सा सेल दे रहे हो भाई। 16000 का स्मार्टफोन यहाँ पे 16000 में मिल रहा है बिना किसी ऑफर के, इवन प्रीपेड वाले ऑफर भी नहीं है, मैं कह रहे हैं सेल में आया हुआ है, मतलब अलग ही धंधा है बेवकूफ बनाने का। मैं कहूँगा वेट कर लो, एक महीने वेट करो, 26 तारीख आने से पहले, मतलब समझ लो कि 22, 21, 22, 20, 18 ऐसे में चालू होता है, एक दो दिन आगे पीछे समझ लो सेल आता है, उस टाइम पे आपको तगड़े ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी। बाकी आप देख लो अगर आपको कैसा लगा, वेट करना चाहते हो कर सकते हो, अगर अभी लेना है तो ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस उन्हें भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर में जिसके ऊपर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता अगले वीडियो में कुछ नया कंटेंट, तब तक के लिए दोस्तों।